YouTube चैनल, तो हम लोग नवोदय विद्यालय TGT मैथ्स 2016 जो एग्जाम हुआ था दिसंबर में, उसका सोल्यूशन कर रहे थे। और मैंने आपको ये बताया भी था जो है कि अभी जो आपका एग्जाम प्रस्तावित है आगे जो सितंबर में, उसके लिए प्रीवियस ईयर के जो सॉल्यूशंस है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। क्योंकि तो इसी पैटर्न पे प्रश्न पूछा जाना है आपसे जो आपके एग्जाम में। तो जब तक आप इसके एनालिसिस नहीं करेंगे, इसका लेवल समझेंगे नहीं, टॉपिक्स को नहीं समझेंगे, तब तक आप जो है आपका अच्छा परफॉर्मेंस उस एग्जाम में नहीं आ सकता है। इसीलिए इसी चीज को मैं ध्यान में रखते हुए और आपके रिक्वेस्ट को देखते हुए मैं इन सॉल्यूशंस को डाल रहा हूँ। आप इसको ध्यान से समझिए जो है, वीडियो को पहले आप पॉज कर लीजिए, जब खुद से इसको सॉल्व करिए जो है, उसके बाद नहीं आता तो आप सोल्यूशन इसका देखिए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक मैं फर्स्ट लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ, आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिए आप। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 11 ये है कि यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, आर टू इज रिप्लेस्ड बाई आर टू माइनस टू आर वन एंड आर थ्री इज रिप्लेस्ड बाई आर थ्री माइनस आर वन इन दिस मैट्रिक्स, यू विल ऑब्टेन द मैट्रिक्स। मैं ऑप्शंस नहीं लिखा हूं। तो देखिए ये आपका मैट्रिक्स चैप्टर से क्वेश्चन है जो लिया गया है। तो ये दो ऑपरेशन इसमें लगाना है, बताना नई मैट्रिक्स क्या बनेगी। देखिए आर टू माइनस टू आर वन का मतलब ये हो गया कि सेकेंड रो में फर्स्ट रो के एलिमेंट को टू मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा। अच्छा ऑपरेशन किस पे लगाना है ये भी आप ध्यान दीजिए। ऑपरेशन आपको लगाना आर टू और आर थ्री पे, मतलब आर वन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये कितना होगा, 1 माइनस 1 और माइनस टू। फिर आर टू माइनस टू आर वन करते, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 0 और माइनस ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, +2। यहाँ पे आ जाएगा +2। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे -4, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। ये आ जाएगा 0। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें 0 2, यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, -4, ऐड करेंगे 4 + 4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। और आर थ्री माइनस आर वन करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और -2 + 1 कितना आ जाएगा, -1, और 5 + 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ऑप्शंस में अगर देखा जाए 0 - 1 7, 0 2 8, 1 - 1 - 2, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यही मैट्रिक्स दी हुई है तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक, ये पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाया गया, बल्कि ये जो एग्जामिनर आपसे जानना चाहते थे कि क्या आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की जानकारी है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन भी मैट्रिक्स से लिया गया है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है a माइनस i का होल क्यूब कैलकुलेट करना है आपको, प्लस a प्लस i का होल क्यूब, प्लस यहाँ रहेगा प्लस a प्लस i का होल क्यूब, a प्लस i का होल क्यूब और माइनस सेवन ए, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3ab² मतलब i स्क्वायर i होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है, इसलिए मैं यहाँ पे i दोनों जगह नहीं लिखा हुआ हूँ, ठीक है। फिर से a प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब करेंगे तो i का क्यूब कितना आ जाएगा, i आ जाएगा, प्लस 3a² b और b मल्टीप्लाई होगा i, तो वही चीज हो जाएगी, i मल्टीप्लाई होगा तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² और -7a, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ए क्यूब को, देखिए ए स्क्वायर ए है, अगर यही पे हम दोनों तरफ a मल्टीप्लाई कर दें तो कितना जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कितना है, a है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू कितना जाएगा, a आ जाएगा। जहां पे ए क्यूब है वहां पे हमें a रखना है, a हो गया, आई क्यूब कितना जाएगा, आई माइनस 3a² फिर से 3a हो जाएगा, फिर से 3a, फिर से ए क्यूब कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और फिर से कितना हो जाएगा, आई फिर से 3a² कितना होता है, a होता है गिवन है, और फिर प्लस 3a और -7, इसी को कैलकुलेट कर लेना आंसर आ जाएगा। चलिए a को कैलकुलेट करते हैं, या माइनस आई और यहाँ पे है प्लस आई, पहले तो ये कैंसिल हो गया, a माइनस 3a माइनस 2a, या प्लस 3a माइनस 3a कैंसिल कर देते हैं, a प्लस a कितना होगा, 2a, 2a प्लस 3a 5a, 5a प्लस 3a 8a, 8a माइनस 7a इज इक्वल टू a, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कहा जा रहा है फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 cross 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 5 ए इज व्हाट। देखिए बहुत सिंपल सा एक फार्मूला होता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में, डिटरमिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के टू द पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए, जहां पे एन क्या होता है, एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स।
ये फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लास 12 में पढ़ाया जाता है ये फार्मूला। यहाँ पे के देखे कोई स्केलर है, स्केलर से मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है, उसका डिटरमिनेंट लेना है, तो के का उतना ही पावर बाहर आता है जितने ऑर्डर की वो मैट्रिक्स होती है। यहाँ पर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की है, तो अगर और डिटरमिनेंट में क्या है 5 के है, तो इसका मतलब 5 बाहर आएगा और 5 के ऊपर क्या लगेगा 2 लगेगा, और यहाँ क्या बचेगा डिटरमिनेंट आप है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और डिटरमिनेंट आप ए की वैल्यू 3 दी हुई है, तो 25 × 3 = 75 आएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, ये 4x-3 upon x + 4y-3 upon y + 4z-3 upon z = 0, then the value of 1x + 1y + 1z is what। ठीक है, देखिए करना कुछ नहीं है, इसको आप अलग अलग लिख दो, आप जो है ना 4x / (y) - 3/y (x) + 4y (y) - 3/z (-3z) = 0, सभी को ना अलग अलग लिख दिया, तो x x कटेगा, तो क्या मिलेगा 4 - 3/x + फिर से क्या मिलेगा 4 - 3/y फिर से +4 - 3/z = क्या मिलेगा 0। 4 + 4 + 4 कितना हो गया 12 माइनस, ये सभी में से मैं इसमें से 3 कॉमन कर लेता हूँ, तो क्या बचेगा 1x + 1y + 1z = कितना हो जाएगा 0। मैं इसको राइट हैंड साइड में ले लेता हूँ, तो 12/3 = कितना आ जाएगा 1x + 1y + 1z, और इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 1x + 1y + 1z पूछा गया था, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, सॉरी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, इफ 3, -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x + ky = 6, देन लीनियर इक्वेशन पैरेलल टू दिस लाइन इज व्हाट। तो देखिए 4x + ky = 6 का एक सॉल्यूशन है 3, -3, तो अगर ये सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो मैं x की जगह पे 3 रख दे रहा हूँ और y की जगह पे हम लोग कितना रख दे रहे हैं -3 = 6, तो कितना आ जाएगा 12 को इधर भेज दिया, तो -3k = 6 - 12 = -6, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, k = 2 मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो 4x + 2y = 6, चाहे तो आप इसको जो है डिवाइड भी कर दीजिए 2 से, कितना आ जाएगा 2x + y = 3। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन एक लिखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको मालूम ये होना चाहिए कि किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है तो x और y के कोफिशियंट्स को आप सेम रखिए, मतलब ये देखिए रिलेशन ये होता है कि अगर a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 हो तो वो दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है। तो अगर ऑप्शंस में देखिए तो 2x और 2/4 कोई ऑप्शंस को आप मैच करवाए, जैसे पहले को मैच करवाते हैं, तो x का कोएफिशिएंट 2/4 का मतलब कितना 1/2, लेकिन यहाँ पे 1 है 3 है तो कितना 1/3, तो ये मैच नहीं करेगा। फिर दूसरे को अगर करें यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 2/1 और यहाँ कितना आएगा 1/2, ये सब मैच नहीं करेगा। इसको फोर्थ ऑप्शन को आप देखिए, फोर्थ ऑप्शन देखिए 2/1 यहाँ पे भी है, 2/1 यहाँ पे भी है, मतलब 2/2 रेशियो कितना आ गया 1, फिर से 1/1 रेशियो कितना आ गया 1, तो a1/a2 = आ गया b1/b2, और राइट में 3 है यहाँ पे 7 है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही लाइन है जो इस लाइन में क्या है पैरेलल है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल ax² + bx + c आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ b + c इज व्हाट। देखिए सम ऑफ द जीरोज का फार्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का फार्मूला होता है c/a। जब आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया हो ax² + bx + c, इसके दो जीरोज होते हैं, सम ऑफ द जीरोज का फार्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का फार्मूला होता है c/a। क्वेश्चन में कहा गया है कि सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर इक्वल, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए, यहाँ से a को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा -b = c, दिस इंप्लाइज दैट b + c = क्या मिलेगा 0। ठीक है, b को इधर ले लीजिए, b + c जानना चाहते हैं b + c की वैल्यू क्या होगी, तो b + c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ - x² + 13x - 6, ठीक है ना, प्लस एक मिनट,
इफ एफ हाफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय जी हाफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 देन रिमाइंडर इज व्हाट 2 1 माइनस 1 3। देखिए रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है क्लास 9 के सिलेबस से लिया गया है। तो देखिए रिमाइंडर होता क्या है ना, इसके आप जीरोस निकाल लीजिए, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 निकाल लीजिए, 2x प्लस 1 को 0 से इक्वेट कर दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1 बाय 2। ठीक है, अब माइनस अब हम निकालेंगे एफ हाफ माइनस 1 बाय 2, तो जो आएगा एफ हाफ माइनस 1 बाय 2 वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम यही होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम माइनस वन बाई टू की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा 2 इंटू माइनस वन बाई टू का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस वन बाई एट, और फिर कितना है माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1/4 है ना, और प्लस 13 प्लस 13 एक्स है तो कितना आ जाएगा माइनस 13/2 और प्लस 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 से काट कर कट कर दें तो माइनस 1/4 माइनस 1/4, इसको भी 4 बनाने के लिए ऊपर 26 कर देते हैं और इसको भी 4 बनाने के लिए ऊपर 24 कर देते हैं, 6 4 24। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो माइनस 1 माइनस 1 कितना हो गया माइनस 2 माइनस 26 कितना हो गया माइनस 28 प्लस 24 कितना आ जाएगा माइनस 4/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 1। तो माइनस 1 रिमाइंडर आएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया हमसे, कहा गया है द पॉलीनोमियल एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड 2x क्यू माइनस 5x प्लस a व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 4 लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट। फिर से वही क्वेश्चन है, देखिए x माइनस 4 से डिवाइड किया गया है, इसको 0 से इक्वेट कर लीजिए आप, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, तो अब रिमाइंडर निकालना है तो एक बार हम इसमें क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे और इसमें भी x से हम क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे और दोनों को इक्वेट करना क्योंकि दोनों का रिमाइंडर 4 पुट करने में जो आएगा वो रिमाइंडर आएगा, यहाँ भी 4 फुट करते हो जो आएगा वो रिमाइंडर आएगा, दोनों रिमाइंडर क्या करें बराबर कह रहे तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। 4 फुट करते हैं 64A आ जाएगा, 64A यहाँ 4 रखेंगे 16 3 जा कितना होगा 48 माइनस 3 ये आ गया इधर, और इसमें अगर 4 फुट करें कितना आ जाएगा 64 2 जा 4 4 जा 4 का क्यूब कितना हो गया 124 का क्यूब 64 2 जा कितना हो गया 128 माइनस कितना हो गया 20। ठीक है, और प्लस a, ठीक है इसको हम सॉल्व करते हैं तो 64a माइनस a कितना आ जाएगा 63a और 48 माइनस 3 कितना होगा 45 और उधर कितना है 128 माइनस 20 कितना आ जाएगा 108 माइनस 45 कितना आ जाएगा 8 में से 5 गया 3 और 10 में से 4 गया 6 63 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63 डिवाइडेड बाय 63 a की वैल्यू 1 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 9 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 9 बाय 20 देन द डिफरेंस ऑफ नंबर्स इज व्हाट। देखिए दो नंबर का सम 9 है तो कुछ आप आइडिया लगा सकते हैं, वो नंबर 18 हो सकते हैं, 27 हो सकता है, 36 हो सकता है, 45 हो सकता है, और सम ऑफ रेसिप्रोकल्स कहा जा रहा नीचे 20 दिया है, 20 एलसीएम कब आता है जब 4 और 5 होता है। तो नंबर्स को आप अगर हम थोड़ा अंदाजा लगाएं कि अगर 4 और 5 वाला हम चेक करें 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9 और इनका रेसिप्रोकल ले ले तो 1/4 प्लस 1/5 सॉल्व करें तो 20 आएगा और 5 प्लस 4 9/20 इनका रेसिप्रोकल भी आ रहा है। तो देखिए आराम से नंबर गेस कर सकते हैं, 4 और 5 नंबर्स हैं, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 1 आ जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से अगर फटाफट गेस कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी कर सकते तो इसको हम रूल से अगर लगाएं क्वेश्चन को जो है, तो कहा जा रहा है कि दो नंबर का सम 9 है तो सपोज एक नंबर एक्स है दूसरा नंबर 9 माइनस एक्स है। ठीक है, एक नंबर ले लेते हैं x और दूसरा कर लेते हैं 9 माइनस एक्स, कहा जा रहा है कि इनके रेसिप्रोकल का सम तो 1/x प्लस 1/9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9/20। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन 9x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/20 हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस x माइनस x कटेगा, ये आ जाएगा 180 और इधर आ जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81x माइनस 9x स्क्वायर, 9 से फिर कट कर दे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और 20 का फैक्टर करना है तो 4 5 हो जाएगा तो x माइनस 4 x माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है ना, माइनस 4 माइनस 5 9 और प्लस 20 हो जाएगा तो 4 और 5, तो x की वैल्यू 4 लेंगे तो पहला नंबर 4 आएगा दूसरा 5 आएगा और अगर x 5 लेते हैं पहला नंबर 5 और दूसरा नंबर 4 आएगा। तो कुल मिला के नंबर्स कितने आ गए 4 और 5 और उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम लोग पहले भी जो है इसको आसानी से गेस भी कर सकते हैं आप जो है। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको मेथड से भी बता दिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी हैव ए कॉमन रूट देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
जब भी देखिए कॉमन रूट का क्वेश्चन आए तो उसका बहुत आसान तरीका होता है कि एक्स स्क्वायर कोफिशियंट को आप सेम बना लीजिए, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। तो जब भी कॉमन रूट का क्वेश्चन आए कि एक रूट कॉमन है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर कोफिशियंट को आपको सेम बना लेना, फिलहाल तो सेम ही है, इसके बाद इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे क्या मिलेगा एक्स ए माइनस बी और प्लस क्या मिलेगा बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको राइट में भेजिए तो कितना हो जाएगा ए माइनस बी डिवाइडेड बाई कितना ए माइनस बी। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, वन हो गई। एक्स किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप, फर्स्ट में या सेकंड में किसी में पुट कर दीजिए, एक्स इज इक्वल टू वन पुट कर दीजिए, कितना जाएगा वन प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देखिए फोर्थ ऑप्शन है वन प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से कभी भी कॉमन रूट का क्वेश्चन आए तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को आप सेम करके जो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो एक्स की जो वैल्यूज आएगी उससे हम काफी कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ, अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा पाए। थैंक यू वेरी मच।